फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग फतेहनगर। मोबाइल नंबर 7568077458। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 10, लेक्चर नंबर 1। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर, देन यू जस्ट नीड टू राइट इन योर नोटबुक। वैन एवर योर स्कूल क्लास विल बी ओपन, देन यू मे क्लियर टू रिलेटेड टीचर। यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10th। यस, दिस इज द चैप्टर 10th एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। नारी मीन्स महिला, शक्ति मीन्स ताकत, की कारक चिन्ह, प्रतीक यानी चिन्ह, और भगिनी मीन्स निवेदिता मीन्स उसका नेम। ओके, तो महिला शक्ति की प्रतीक के रूप में जानी जाती थी भगिनी निवेदिता। ओके, तो हमारा भारत देश है ना, हमारा देश ऐसी कई महिलाओं के इतिहास से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने देश, अपने लिए, औरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है ना। तो उनमें एक ऐसी महिला थी जो एक विदेशी थी, विदेशी का मतलब दूसरे देशों की थी, जो भारत आई और भारत के जो लिए उन्होंने कार्य किया वो बहुत ही अनोखा था, बहुत ही अनूठा था। तो आइए आज हम उन्हीं महिला के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है भगिनी निवेदिता। सो आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं में हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। तो देखिए क्या है फर्स्ट पैरा, कि हमारा देश यदि देखें तो हमारा देश भी कई ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा, उनके इतिहास से भरा पड़ा है जिन्होंने देश के लिए, अपने देश के लिए, औरों के लिए अपना न्योछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया है ना। देखो तो लक्ष्मीबाई है ना, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के खातिर, अपने क्षेत्र के खातिर, औरों के खातिर। तो लेकिन हम एक इस महिला के बारे में पढ़ रहे जो कि एक विदेशी थी, अपने भारत की ना होकर एक विदेश की थी, अर्थात आयरलैंड की थी, और वो एक भारत आई, एक भारत की बेटी बनकर उसने भारत के लोगों को शिक्षित किया है ना। तो उसका नाम था भगिनी निवेदिता। उसका कार्य बहुत अनोखा था। वह भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर, स्वामी विवेकानंद जी थे उनसे प्रभावित होकर, वह उनके बुलाने पर, किनके, स्वामी विवेकानंद जी के बुलाने पर, आह्वान का मतलब होता पुकार, अर्थात बुलाने पर वह भारत आई थी। और भारत आकर उन्होंने कई महिलाओं को शिक्षित किया, क्या किया, शिक्षा दी, उन्हें शिक्षित दिया। और ये जो भगिनी निवेदिता थी वह आयरलैंड से थी, इनकी उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने एक भारत में आकर अपनी भारत भूमि को अपनी मातृभूमि समझा, मतलब अपना देश समझा, और एक भारत की बेटी बनकर उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में अपनी भूमिका यानी योगदान दिया, महान योगदान दिया। ओके, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से देखो, इतिहास में किसके बारे में लिखा है, तो इतिहास में देश के महान कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में लिखा है। भगिनी निवेदिता भारत क्यों और कैसे आई, तो भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आई थी। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। सेकेंड पेरा, उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व मां का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई।
मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। देखिए अब पढ़ते हैं सेकंड, जो भगिनी निवेदिता था, उनका पूरा जो नाम था वह था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ओके, याद रखना है, उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और उनके पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल, और उनकी माँ थी, और माँ का नाम था मैरी इसाबेला। क्या नाम था? मैरी इसाबेला। और ये जब छोटी थी ना, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत का मतलब होता है निधन, मृत्यु हो गई थी, यानी जब छोटी थी ये, तभी इनके माता पिता गुजर गए थे। और इनका जो लालन पालन हुआ था वह नाना हैमिल्टन द्वारा हुआ था। इनके नाना थे, नाना जी है ना, उनका नाम था हैमिल्टन द्वारा, उनके द्वारा ही इनका लालन पालन, पढ़ाई वगैरह सब हुई थी। हैमिल्टन क्या थे? आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। सूत्रधार यानी प्रमुख नेता, नायक होता है ना हर आंदोलन का, तो वैसे उन सूत्रधारों में एक थे। क्या नाम था इनका? नाना थे उनके, उनका नाम था हैमिल्टन। उनके द्वारा इनका लालन पालन हुआ था, और वो जो थे वो आयरलैंड की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नायक थे, है ना, प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। क्लियर। मार्गरेट की शिक्षा कहाँ से हुई थी? लंदन से, है ना, और लंदन में चर्च में हुई थी। चर्च पता है आपको? ईसाइयों का पूजा स्थल, जैसे हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर होता है, मुसलमानों का पूजा स्थल मस्जिद होता है, वैसे ईसाइयों का पूजा स्थल होता है चर्च, ओके, क्रिश्चियन का। तो उस चर्च में एक आवासीय विद्यालय होता है। आवासीय विद्यालय किसे कहते हैं? वहीं पढ़ना, वहीं रहना, वहीं खेलकूद सब कुछ वहीं होता है, घर नहीं जाना, है ना, तो होता है आवासीय विद्यालय, बोर्डिंग स्कूल कहते हैं जिसे, ठीक है। तो उस तरह से जो स्कूल चर्च में स्कूल था, बोर्डिंग तरह का, उसी में उनकी शिक्षा हुई थी। वो कहाँ था? लंदन में। क्लियर। मार्गरेट को शिक्षण कार्य बहुत अच्छा लगता था। मार्गरेट को पढ़ाना, शिक्षण कार्य का मतलब टीचिंग करवाना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था उन्हें। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी, क्योंकि इंटरेस्ट था। देखिए, किसी का भी इंटरेस्ट जिसमें होता है, वो कार्य उस कार्य को करने में बड़े चाव से करता है, बड़ा इंटरेस्ट से करता है ना। किसी को खेलने में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है ना, किसी को रीडिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, तो सबका इंटरेस्ट होता है। तो इनका भी है ना, भगिनी निवेदिता का भी इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई करना, यानी शिक्षण कार्य करवाना, पढ़ाना बच्चों को। तो वह जब 17 साल की थी ना, 17 ईयर्स की, तब से वह एक विद्यालय में पढ़ाने स्टार्ट कर दिया था, है ना, 17 साल की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। और वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वह क्या करती थी? किसी औरों की नहीं, खुद की डेवलप की हुई पद्धति का, विकसित पद्धति से शिक्षण, पद्धति का मतलब तरीका, अपना खुद का डेवलप किया हुआ तरीके से पढ़ाती थी। किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि उनको अच्छी तरह से समझ में आए, तो ऐसा खुद की जो तरीका था उससे पढ़ाती थी वह। और धर्म में रुचि थी, क्योंकि उनकी धर्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वह चर्च की गतिविधि में भी भाग लेती थी। चर्च में जो भी क्रियाकलाप होते थे धर्म से संबंधित, है ना, तो उनमें भी वह क्या करती थी? भाग लेती थी। तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी। यानी जो ज़्यादा समय थी वह एक तो अध्ययन करती थी, मनन यानी चिंतन करती थी, और सत्य की खोज में लगाती थी। इनका इस तरह से क्रियाकलाप था, ओके। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? तो भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था? तो मार्गरेट के माता का नाम मैरी इसाबेला, पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। मार्गरेट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी, ओके। मार्गरेट ने पढ़ाने का कार्य कितनी वर्ष की अवस्था में आरंभ किया? तो 17 वर्ष की अवस्था में मार्गरेट ने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, ओके। इस तरह हमारे फर्स्ट और सेकंड पैरा इसके कंप्लीट हुए। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, दिस इज योर होमवर्क। सो यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 10 एंड लेक्चर नंबर 1।
तो हार्ड वर्ड्स देखिए कुछ शब्द पिटारा। अनूठा, अनूठा मीन्स अनोखा। आह्वान मीन्स पुकार, बुलाना या पुकार। भूमिका मीन्स योगदान। देहांत, देहांत मीन्स निधन। और सूत्रधार का मतलब होता है प्रमुख नेतृत्वकर्ता या नायक, है ना, लीडर होता है ना प्रमुख पूरे आंदोलन का, तो वो होता है सूत्रधार। ओके, तो आपको इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के जो व्हाट्सअप नंबर है 7568077458 पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।